जी हाँ दोस्तों, कई देश अब भी ऐसे हैं जहां पर कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कई देशों को कोरोना वायरस से छुटकारा मिल चुका है, यानी कोरोना मुक्त हो चुके हैं। तो ऐसे में उन्होंने किन बातों का ध्यान रखा था जिसकी वजह से वो कोरोना मुक्त होने में कामयाब हो पाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी कुछ केसेस वहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो इन सब बातों का ध्यान रखते हैं जो हम आपको बताने वाले हैं, तो वो कोरोना वायरस से लड़ने में कामयाब साबित होते हैं। आप सभी को बता दें किस प्रकार से हमें देखने को मिल रहा है कि कोरोना वायरस अभी लगातार बढ़ रहा है। भारत में तो पहली बार मार्च में लॉकडाउन लगाया गया था जो अभी तक चल रहा है। इस लॉकडाउन की वजह से लोगों के काम लगभग बंद हो गए हैं, या जिनके बंद नहीं हुए हैं उन्हें घर से ही काम करना पड़ रहा है या हर रोज दफ्तर जा रहे हैं। ऐसे में उनके लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि आप कुछ खास बातों का ध्यान रखें, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कोरोना वायरस को शायद भूल चुके हैं, जिनके जहन से कोरोना वायरस नाम शब्द ही मिट चुका है, क्योंकि इन दिनों खबरों में भी कोरोना वायरस का जिक्र कम होने लगा है। तो आप सभी को बताने वाले हैं कुछ ऐसी खास बातें जिनका आपको खास ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, शरीर में पानी की मात्रा बनाए रखें। पानी शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मानी जाती है। दस्त भी कोरोना वायरस के लक्षणों में शामिल हो गया है, ये बताया गया है। ऐसे में शरीर में पानी की पर्याप्त मात्रा को बनाए रखना बहुत ही आवश्यक हो गया है। इसलिए बेहतर है कि आप अपने शरीर की ज़रूरत के हिसाब से पानी पीते रहें। नज़रअंदाज इस बात को ना करें कि आपका शरीर में पानी की कमी हो रही है और आप अपने काम में व्यस्त हैं। ये आपको कोरोना संक्रमण से बचाए रखने में काफ़ी मददगार साबित होगा, या अगर संक्रमित हो गए हैं तो भी ये आपके शरीर के लिए ऐसा फ़ायदेमंद होगा जो शोधों के अनुसार सामने निकल के आई बात, यानी कि कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि जिन व्यक्तियों को कोरोना वायरस हो गया था वो लगातार पानी का सेवन करते रहे, उनका इम्यूनिटी सिस्टम इतना अच्छा ठीक हो गया जिसकी वजह से वो कोरोना वायरस जंग जीतने में कामयाब रहे। ऐसे में दफ्तर जाने वाले लोग, यानी कि जो भी व्यक्ति घर से काम कर रहे हैं उनके लिए तो सही है, लेकिन जो व्यक्ति घर के बाहर जाके काम करते हैं उनको इस बात का खास ध्यान रखना है। दूसरी बात, हर रोज़ गर्म पानी का सेवन अवश्य करें। इसको एक नियमित तौर पर बांध लें कि आपको गर्म पानी पीना ही पीना है, क्योंकि यह कोरोना वायरस से लड़ने में काफ़ी अच्छा बचाव के तौर पर काम आता है। आयुष मंत्रालय का भी ऐसा मानना है कि गर्म पानी पीने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी सिस्टम बनी रहती है, और ये तो आप जानते ही होंगे कि शरीर की इम्यूनिटी ही आपको कोरोना वायरस के संक्रमण से बचा सकती है, या अगर संक्रमित हो गए हैं तो ये वायरस को मारकर आपके स्वास्थ्य बना देती है। इसलिए बेहतर है कि आप गर्म पानी को अपने डेली रूटीन में शामिल कर लें, और अगर आप बाहर जा रहे हैं तो अपने साथ बैग में गर्म पानी की बोतल अवश्य रखें। ध्यान रखें कि वो बोतल ऐसी हो जिसमें पानी गर्म रहे। तीसरी बड़ी बात, हल्दी वाला दूध जरूर पिएं। हल्दी दूध शरीर के लिए कितना फ़ायदेमंद है इससे तो आप वाकिफ होंगे ही। आयुर्वेद में बताया गया है कि हल्दी वाला दूध पीने से काफ़ी सारे घाव भर जाते हैं जो आपके शरीर पर मौजूद होते हैं, और कई ऐसी बीमारियों से लड़ने में मददगार भी साबित होता है। ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को बनाए रखने में मददगार साबित होता है। वैसे बरसात के मौसम में हल्दी दूध से परहेज करने को कहा जाता है, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से हालत बिल्कुल अलग है। ऐसे में डॉक्टर भी अभी के समय में हल्दी दूध का सेवन करने की सलाह दे रहे हैं। यह कोरोना संक्रमण से बचाने में मददगार साबित होता है, या अगर आप संक्रमित हैं पहले से ही तो हल्दी वाला दूध जरूर पिएं, जिसकी वजह से आपके शरीर में प्रवेश कर चुके वायरस को भी ख़त्म करने में मदद कर सकता है। सबसे बड़ी बात और सबसे खास बात, मास्क और सैनिटाइजर। आज के समय हमें देखने को मिल रहा है कि कई लोग ऐसे बेफिक्र होकर बिना मास्क लगाए बिना हाथों में सैनिटाइजर रखे घूमते हुए नज़र आ रहे हैं, जो सबसे बड़ी गलती करते हुए नज़र आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भगवान न करे कोरोना वायरस हो जाता है तो उसके बावजूद भी आप कम से कम 14 दिन के लिए अस्पताल में भर्ती होना ही पड़ेगा। तो ऐसे में 14 दिन के नुकसान जो लोगों की भरपाई मुश्किल से हो पाती है, और ऐसे में अगर आपको कोरोना हो जाता है और आप दफ्तर आ जा रहे हैं तो ये मान लीजिए कि आपका आपके दफ्तर से भी नाता संबंध टूट जाएगा, क्योंकि कोई भी ऑफिस में ये मेंबर नहीं चाहेगा या मालिक नहीं चाहेगा कि उसके किसी स्टाफ के मेंबर को कोरोना वायरस हो जाए और जब वह ठीक हो जाए तो उसके बाद ऑफिस आए, तो ऐसे में दूसरों के व्यक्तियों के बीच में ये मन में शंका पैदा कर दे कि इसके तो कोरोना वायरस हुआ था तो कहीं इसकी चपेट में आने के बाद हमें भी कोरोना वायरस ना हो जाए। तो ऐसे में करना ये है कि कोरोना काल में अगर आप हर रोज़ घर से बाहर जाते हैं तो आपके लिए सबसे ज़रूरी है कि मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकले, उचित दूरी बनाए रखें 2 मीटर की, और अपने साथ सैनिटाइजर की एक छोटी शीशी जरूर रखें। समय समय पर या फिर कोई भी चीज़ छूने से पहले या छूने के बाद सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करें।
साथ ही साथ बाहर जाएं तो किसी भी चीज़ को बेवजह छूने से बचें। ये सभी सावधानियां आपको कोरोना वायरस से बचाने में मदद करेगी और आपके ऑफिस में काम करते वक्त मन लगा रहेगा, इसकी वजह से आप कोरोना वायरस से जंग जीत पाएंगे। आशा करते हैं आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी और हेल्थ टिप्स के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद दोस्तों।